डेफिनेशन मतलब क्या होता है समझने का कोशिश करूं, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न, देखो ये चैप्टर ना प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ हम लोग 11th पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ने वाले, वी हैव टू लर्न दिस एज 12th पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि 12th में यही चैप्टर को आगे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 12th में ये चैप्टर क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे भी इसके सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता ही आता है जेडब्ल्यू में, ठीक है। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पढ़ने होंगे, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट्स वी हैव, सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये सब इवेंट्स हैं जो हम लोग को अच्छे से पढ़ने होंगे, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ये सब हम लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो मैं इस चैप्टर को आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत तो हमारा फंडामेंटल से क्लियर होगा, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से आज के लेक्चर में, और हर एक चीज को जितने भी टॉपिक को मैं डिफाइन करूंगा उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, लेकिन चैप्टर का नाम को प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं गाइस, ध्यान देना सब। सबसे पहले डेफिनेशन आएगा यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो ये सब चीज समझना पड़ेगा, ये तो चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट आ रहा है आवाज बराबर मेरा, ज्यादा स्लो है क्या? नो सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो गाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझना, देखो एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ऐसे ही केस में यूज होता है जहां पे हम लोग को आउटकम्स पता तो है क्या आने वाला है, बट एक्चुअली अपर मोस्ट फेस पे क्या आएगा ये नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पता है कि आने वाला तो हेड और टेल ही है, बट अपर मोस्ट फेस पे क्या आएगा वो नहीं पता। अगर आप डाई थ्रो करते हो तो आपको पता तो है 1 2 3 4 5 में से 6, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ एक आएगा, बट क्या है अपर मोस्ट फेस पे ये नहीं पता। अगर आप कार्ड्स पिक करते हो तो आपको पता है कि कार्ड्स इसमें से कुछ आने वाला है, बट क्या आएगा ये नहीं पता। सो वी नो द सैंपल स्पेस, we know the possible outcomes that can appear on the uppermost face, but what outcome has actually appeared, that is what we find with the help of probability, ki ye aane ka chance kitna hai, ye aane ka chance kitna hai, ye aane ka chance kitna hai. So random experiment, for example main ek game khel raha hu, theek hai, thoda bahut aise aasani ke liye bol raha hu ki agar samjho main ek game khel raha hu, akele khel raha hu, theek hai, aur jeet raha aur khush ho raha hu, bol raha hu yaar main jeet gaya, yes main jeet gaya, तो ऑब्वियसली गाइस अगर उसमें कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं है, अकेला ही खेल रहा हूँ तो अकेले जीतूंगा ही जीतूंगा, कितना भी लो स्कोर रहेगा तो ही मैं ही जीतूंगा क्योंकि सिंगल खेल रहा था मैं। बट अगर मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड आ गया, हम दो जन खेल रहे हैं अभी, तो उसमें से शायद मैं जीत सकता हूँ, शायद वो भी जीत सकता है, कौन जीतेगा आप बता सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, बट कौन जीतेगा? हाँ, ए और बी में से कोई ना कोई तो जीतेगा। तो गाइस डेफिनेशन क्या बोलता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम दो आउटपुट होने चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एन एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज एटलीस्ट टू आउटकम्स, एन एक्सपेरिमेंट व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट टू आउटकम्स, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम दो आउटकम होने चाहिए या मोर देन वन आउटकम होने चाहिए उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट व्हिच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एन एक्सपेरिमेंट which contain more than one outcome, an experiment which contains more than one outcome, an experiment which contains more than one outcome, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल सबसे पहला टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। सेकंड एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ डाई। क्योंकि इनमें एक से ज्यादा आउटकम्स है ना, तो अगर जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स है वहां पे हम लोग प्रेडिक्टेबिलिटी करते हैं कि अरे ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन यही बोलता है कि एन एक्सपेरिमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम। तो सबसे पहला डेफिनेशन आज का यही था, डिफाइंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग को एक से ज्यादा आउटकम्स मिलेगा। ना आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर लोअर स्टैंडर्ड में किया है नाइन्थ और टेंथ में, तो आपने देखा रहेगा कि आपने हमेशा ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट पिक किए होंगे जहाँ पे 20 कार्ड्स थे, जहाँ पे 1 टू 75 कार्ड्स में से हम लोग को इवन नंबर्स पिक करना था, प्राइम नंबर्स पिक करना था, जहाँ पे कॉइन का डबलेट्स आने का चांस कितना है, डाइस में डबलेट्स आने का चांस कितना है। तो हम लोग ने हमेशा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स लिए हैं जिसमें एक से ज्यादा आउटकम है। अगर एक ही आउटकम रहेगा तो आप 100% जीतोगे, तो प्रोबेबिलिटी 100%, फिर ढूंढना क्या था उसमें, ठीक है। सो एन एक्सपेरिमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल्स आर जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग ने आज तक लोअर स्टैंडर्ड्स के प्रोबेबिलिटी में लिया है, ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स आर काउंट इनटू रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के बाद द सेकंड डेफिनेशन इज आउटकम। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट क्या आया, आपने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, अब अपरमोस्ट फेस पे क्या आया वो बताओ। तो आउटकम क्या होगा, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं, बहुत ही रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम का डेफिनेशन होगा रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वी हैव टू डिफाइन आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या आएगा आंसर, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रिजल्ट आया, समझो आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या मिलेगा, हेड, जो हेड रिजल्ट है, या तो टेल आया, टेल रिजल्ट है। जो उसके जो सैंपल स्पेस है उसको रिजल्ट बोलते हैं, जो उसके सैंपल स्पेस होते हैं उसको लोग रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो आएगा वो आएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस दैट कैन अपीयर ऑन द अपर मोस्ट स्पेस, ताकि आप पॉसिबल आउटकम्स है जो अपर मोस्ट स्पेस पे अपीयर होंगे। वी कैन से दैट सैंपल स्पेस का डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, the set of all possible outcomes of our random experiment और हम लोग सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एस से। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हेड और टेल। अगर कॉइन को टॉस किया तो क्या रहेगा, हेड और टेल। अगर डाई को टॉस किया, डाई को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। तो हम लोग अगले पे आएंगे, अगला डेफिनेशन है मेरा इवेंट। सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग इवेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस में से कोई भी चीज को हम लोग ने एज अ सबसेट ले लिया, अगर सैंपल स्पेस में से कुछ भी आंसर मेरा एज अ सबसेट आ रहा है तो वो बन जाएगा मेरा इवेंट। तो अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस A subset of a sample space is called event. A subset of a sample space is called event. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको अच्छे से। Event, for example, अगर मैं बोलूँ कि die को throw किया, what are the chances of getting an odd number? तो ये odd number कहाँ से निकाल रहे हो? Sample space में से निकालोगे ना, 1 3 5. One half is the probability. ठीक है, getting an even number 2 4 6. तो ये कहां से चेक करोगे आप? आप सैंपल स्पेस से चेक करोगे। जो आपका इवेंट है वो कहां से मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है सैंपल स्पेस में से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट? इवेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। इवेंट जो रहेगा क्या रहेगा? सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो दीज आर द फोर डेफिनेशन सो फार।
random experiment, an experiment which contains more than one outcomes, tossing a coin and throwing a die are the best examples of random experiment. Outcome, results of a random experiment को हम outcome बोलते हैं. Sample space, the set of all possible outcomes of a random experiment. An event, a subset of a sample space is called event. Understood आपको? समझ में आया? इसका example दो ना sir. इसका? Event का. Event के बहुत सारे examples जो आगे करने वाले हैं. Types of event कराता हूँ, फिर वो समझाता हूँ, ठीक है? इवेंट का एग्जांपल है, समझो आप एक सेट ढूंढ रहे हो, ए इज अ इवेंट. अगर समझो मैंने डाई को थ्रो किया है और मैं बोलता हूँ ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या होगा आंसर? जीरो, एम्प्टी, एम्प्टी सेट, नल सेट. समझ में आया? यस, एम्प्टी सेट बोलेंगे हम लोग, ठीक है. अगर मैं बोलू की B is the event of getting a number greater than 6, तो क्या आएगा? Empty set. Empty set, null set. Null set. अगर greater than 5 बोला होता तो? 6 आता. 6 आएगा. उस बेकी आंसर आता? मानते हो उस बेकी आंसर आता? Yes. इसको बोलते हैं certain event. इसको बोलते हैं certain event. जिस event में सिर्फ एक ही outcome आता है, उसको बोलते हैं certain event. फिर और एक बोल रहा हूँ मैं. C is the event of getting a number less than 7. क्या आएगा आंसर? सब आ गया, सबका सब आता है जब, तो बोलते हम लोग श्योर इवेंट. एस यू आर ई, श्योर इवेंट. श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 100%. श्योर इवेंट, जीतेगा ही जीतेगा तू, ऐसा बोलते हैं, ठीक है. तो ये सब टाइप्स है. अभी जब आगे मैं आपको ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे क्लियर होगा कि एग्जांपल क्या है एक्चुअल में. तो जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, आप कहां से ढूंढ रहे हो आंसर? सैंपल स्पेस में से. तो इवेंट कौन है? सैंपल स्पेस का छोटा सा सेट. सैंपल स्पेस एक बड़ा सेट हो गया. सैंपल स्पेस को आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो. अब यूनिवर्सल सेट में से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा? सबसेट. समझा? नल सेट इज ऑल्सो सबसेट. पढ़ा ना सबने? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. पढ़ाएगी सब? तो भी सबसेट है, ठीक है. तो आई होप कि आगे जो मैं डेफिनेशंस कराने जाऊंगा वो टाइप्स ऑफ इवेंट्स कराऊंगा. फिलहाल तो आपको समझ में आया मेरे को लगता है. ये चारों डेफिनेशन क्लियर है. रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक से ज्यादा आउटकम्स वाले एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. आउटकम जो ऊपर अपर मोस्ट पे अपीयर होगा उसको आउटकम बोलते हैं. सैंपल स्पेस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, दोस आर नोन एज सैंपल स्पेस. एंड इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. 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 ठीक है, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट. अगला टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इवेंट. टाइप्स ऑफ इवेंट, द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट नाम से समझ में आता है, अगर एक एलिमेंट कंटेन करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम. एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम, जिसमें से एक ही आउटकम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट. नाम से समझ में आता है एलिमेंट्री. एलिमेंट्री मतलब एक. एलिमेंट्री मतलब क्या रहेगा? एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आता है. दूसरा जो है हमारा वो है सर्टन, या जिसको दूसरे नाम से बुलाते हैं हम लोग श्योर इवेंट. सर्टन या श्योर इवेंट. सर्टन या श्योर इवेंट क्या होता है? ठीक है, अगर सैंपल स्पेस के सबके सब आउटकम्स इसमें आएगा तो श्योर इवेंट बोलेंगे. इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
if all possible outcomes ठीक है आर फेवरेबल आउटकम आर फेवरेबल आउटकम मतलब सबके सब आंसर्स में आएंगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अ नंबर डी सी इज अ इवेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द नंबर लेस देन 7 जिसमें सबका सब आ गया ना इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इट शुड कंटेन ऑल द सैंपल पॉइंट्स दैट इज द इवेंट consist of that means the event consists of whole sample space that means the event consists of whole sample space ठीक है certain or sure events if all possible outcomes are favorable outcomes that is the event consists of whole sample space that is the event consists of whole sample space third one आएगा आपका impossible event नाम से समझ में आता है impossible event मतलब जो कभी नहीं आएगा जो मैंने empty set बताया था वो impossible set था तो impossible event empty set is called impossible event empty set is called impossible event as no outcomes is favorable as no outcome is favorable empty set is called impossible event as no outcome is favorable as no outcome is favorable understood na aapko sab samajh mein empty set is called impossible elementary event ka baat hone ke example elementary ka event ka example deta maine A number greater than 5 die में yes क्या आ रहा है 6 आ रहा ना 6 जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंटरी इवेंट जिसमें पूरा का पूरा सैंपल्स भी आएगा उसको सर्टेन या श्योर इवेंट जिसमें कुछ भी नहीं आएगा उसको इम्पॉसिबल इवेंट समझा थोड़ा बहुत yes sir एलिमेंटरी मतलब एक सिंगलटन बोलते ना सिंगलटन सिंगल आउटकम Yes. Event consisting of a single outcome. तो जिसमें एक ही आउटकम रहेगा उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं जिसमें पूरा का पूरा सैंपल्स पे जाएगा उसको सर्टेन या श्योर इवेंट बोलते हैं और जिसमें एक भी आउटकम नहीं रहेगा उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं तो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ इवेंट एलिमेंट्री इवेंट श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट समझा ये ठीक है yes. समझ में आ रहेगा आपको पक्का एवरीवन तो अभी इसको हटा रहा हूँ आगे मूव करते हैं हम लोग टेक द स्क्रीनशॉट हर एक का एग्जाम्पल चाहिए तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो एग्जाम्पल लिख के चुका हर एक का समझ जाएगा इसको आगे पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा एलिमेंट्री इवेंट एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल आउटकम एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है सर्टेन इवेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स समझा सबके सब आना चाहिए इम्पॉसिबल इवेंट एक भी नहीं आना चाहिए क्लियर हो गया अच्छे से एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल लिख लो A is event of getting a number greater than 5 in a die. ठीक है B वाला समझ जाएगा इधर पे एग्जाम्पल ले लो B is the event of getting a number less than 7 सबका सवाल आ जाएगा इसमें और थर्ड वन आएगा C is the event of getting a number greater than 6 तो आप देख रहे हो पहला एग्जांपल जो लिखा मैंने ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 तो इसमें सिर्फ 6 आएगा तो एलिमेंट्री इवेंट बी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इसमें 1 2 3 4 5 6 सब आएगा तो सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट और सी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 तो
तो ग्रेटर देन 6 में कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट। समझा तीनों एग्जांपल अभी? क्लियर हुआ? यस यस। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो टाइप्स ऑफ इवेंट तो क्लियर हो गया कि तीन टाइप के इवेंट होते हैं सर, एलिमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। ध्यान देते आगे, मतलब न्यू वन इज टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। नाउ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या क्या आता है देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या, ये सब डेफिनेशन आपको 10th में था नहीं, इसको जब तक 11th में नहीं पढ़ाऊंगा तो 12th का टॉपिक भी आपका क्लियर नहीं होगा, ये सब कराना तो बहुत जरूरी है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आता है सबसे पहला, इसमें चार चीज आते हैं, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, then we have to read them as complementary events, mutually exclusive events and mutually exhaustive events. kya hota hai sir, sab lines se padhte hain. to sabse pehle algebra of events mein aata hai pehla union of two events. to hum log ko itna to pata hai ki union aur intersection hota kya hai, itna to humne sets mein bhi padh liya rahega sir. so union of two events, theek hai, maan lo ki do events hai a and b aur ye sample space ke sath associated hai. Let A and B be two events. Let A and B be two events in the sample space S. In sample space S. Let A and B be two events in sample space S. So, जो union है A और B का, the union of A and B, the union of A and B is denoted by ऐसा लिखते हो उसको, is denoted by A union B, ऐसा लिखते हैं. अगर A और B दो इवेंट्स है सैंपल स्पेस S में, तो union of A and B को कैसे लिखेंगे हम लोग? A union B and is the set of all possible outcomes that belong to at least one of A or B. That belong to at least one of A and B. ठीक है? So union of two events, A and B दो events है in sample space S. Let A and B be two events in sample space S. Let A and B be two events in sample space S. तो जो इसका union होगा, the union of A and B is denoted by A union B. The union of A and B is denoted by A union B. And is the set of all possible outcomes that belongs to at least one of A or B. So, दोनों सेट का हम लोग क्या लेने वाले? दोनों सेट का एक यूनियन लेने वाले. एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा. एग्जाम्पल है, मान लो कि कुछ इजी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि अब अ डाइस थ्रोन, समझने का कोशिश करना चाहिए ना, अ डाइस थ्रोन, ठीक है, इसमें जो इवेंट है A इज द इवेंट, ऑफ गेटिंग अ नंबर एज मल्टीपल ऑफ 3, तो A के अंदर क्या आएगा? A के अंदर दो ही इवेंट्स आएंगे, एक आएगा 3 और एक आएगा 6, ठीक है. ज्यादा ले लेते हम लोग B इज अ इवेंट, B is a event of getting a number, or you can say that getting a prime number. It will be very very easy. Getting a prime number. B क्या रहेगा? अभी prime number क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 2, 3. आपको तो union निकालने आते ही, या sets तो आपने पढ़ा ही है. इन दोनों का union क्या आएगा? Very simple.
The answer is A. 2, 3, 5, 6. Union बात निकाल रहे हैं intersection नहीं तो answer is 2, 3, 5, 6. All elements which are in set in set A and B without repetition. So A union B is 2, 3, 5, 6. तो अब definition पढ़ो. Let A and B be two events in sample spaces. तो A और B जो है वो sample space से निकाल रहे हैं हम लोग. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जो A union B को denote करेंगे कैसे denote करेंगे A union B and it is a set of all possible outcomes that belong to at least one of A and B. तो ये जो होता है इसका सॉल्यूशन जो या तो ए को बिलोंग करता है या तो बी को बिलोंग करता है. तो अगर इसके जो आंसर्स आएंगे ए यूनियन बी के या तो वो सेट ए में दिखेंगे आपको या तो वो सेट बी में दिखेंगे आपको. तो ए यूनियन बी के जो आउटकम्स आएंगे या तो वो सेट ए में दिखेगा 3, 6 या तो सेट बी में दिखेगा 2, 3, 5. तो ए यूनियन बी इज 2, 3, 5, 6. ए यूनियन बी इज 2, 3, 5, 6. समझ में आया यूनियन ऑफ टू सेट सबको देख लो अच्छे से क्लियर है. Union of two sets. Understood, Sachi? तो union of two sets मतलब दोनों sets के मिला के जो outcomes होंगे that को उसको बोलते हैं union. Union क्या होता है दोनों sets का जो outcome रहेगा उसको हम बोलते हैं union. दोनों set को मिला के जो outcome रहेगा that is what we call union. So union of two sets. I hope it is clear to everyone. Understood, sir? Everyone? समझा? Yes. ठीक है. Now we move to the second topic. The second topic is after union. We are going to learn intersection of two sets. यूनियन के बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग intersection of two sets. ठीक है? तो अगला second definition है अपना intersection of two sets. इसको हटा रहा हूँ मैं. The second definition is intersection of two sets. तो इसमें ज़्यादा कुछ corrections नहीं आएगा. थोड़ा सा ही change आएगा. मैं बताता हूँ क्या है वो. The second topic is intersection of two sets. Intersection of two events. Intersection मतलब क्या होता है common elements जो set A और set B दोनों में मिलेगा आपको. So let A and B be two events in sample space S. The intersection of A and B the intersection of A and B is denoted by A intersection B and it is a set of all possible outcomes that belongs to both the event that belongs to both the events A and B that belongs to both the events that belongs to both the events A and B that belongs to both the events A and B. ठीक है. तो intersection of two events क्या होगा देखो. Intersection of two events Let A and B be two events in sample space S. मान लो कि दो इवेंट्स हैं मेरे पास sample space S में. The intersection of A and B is denoted by A intersection B. Is denoted by A intersection B and it's a set of all possible outcomes that belongs to both the events A and B. ठीक है. अगर यहाँ पे मेरे को intersection निकालना है, जो दोनों में है, उसको बोलते हम लोग intersection. जो common elements होता है ना, उसको बोलते हम लोग intersection. तो मुझे यहाँ पे यही same वाले में अगर intersection निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा अपना देख लो अच्छे से. ए इंटरसेक्शन बी आएगा 3. सी एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू बोथ एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू बोथ देख लो अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर समझा. यूनियन ऑफ टू इवेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स क्लियर है दोनों समझ में आया. यूनियन मतलब ए और बी के दोनों के सॉल्यूशंस निकालना है बिना रिपीटेशन. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट निकालना है जो दोनों में कॉमन है दैट बिलोंग्स टू बोथ द इवेंट्स ए एंड बी एंड यूनियन मतलब दैट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी. ये एक को पक्का बिलोंग करना चाहिए. ठीक है हटा रहा हूँ इसको मैं. ये दो हो गया. आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ए यूनियन भी हो गया ए इंटरसेक्शन भी हो गया. अब यूनियन और इंटरसेक्शन से हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो ध्यान देना अच्छे से एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो मेरा अगला टॉपिक जो है वो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. थर्ड टॉपिक क्या होगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स.
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है? क्या आएगा इसका आंसर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का? दो इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं अगर दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस रहेगा तो. डेफिनेशन देखो, टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स ए एंड बी आर टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस. Two events A and B in the sample space S are said to be exhaustive, are said to be mutually exhaustive if their union is a sample space. If A union B is the sample space. Two events A and B in the sample space S are said to be exhaustive if A and B are, if A union B forms a sample space. A union B forms a sample space. If A union B forms a sample space. Okay. Two mutually exhaustive events, two events A and B in the sample space are said to be mutually exhaustive events if A union B is sample space. Okay. Example lete na. Example. ए जो है वो है इवेंट ऑफ गेटिंग, वो लेना पड़ेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट. सबसे इजी एक एग्जांपल होता है डाइस थ्रो, डाइस थ्रो, ठीक है? तो ए ले लिया मैंने, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. तो ऑड नंबर में क्या आएगा? A is equal to 1, 3, 5. Event of getting an odd number, ये हो गया A. अब B क्या रहेगा? Event of getting even number. Event of getting even number. Event of getting even number. So B क्या रहेगा आपका? B रहेगा आपका 2, 4, 6. ठीक है? अब A union B निकाल के आएगा पूरा. A union B में पूरा का पूरा सैंपल से आएगा. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. आ गया तो उन दोनों इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. देखो, वी कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. दिस इज द सिंपल आंसर. बोलो समझा? A and B are mutually exhaustive. Understood everyone? Sure. So दो इवेंट्स को mutually exhaustive events सब बोलते हैं. तो दोनों का union sample space बनेगा. जब दोनों का union क्या बनेगा? Sample space. So mutually exhaustive events, two events A and B in the sample space S are said to be mutually exhaustive if A union B is equal to sample space. A die is thrown. Event of getting odd number 1, 3, 5. B, event of getting even number 2, 4, 6. If we take A union B, we get the answer as 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A and B are mutually exhaustive events. A and B are mutually exhaustive events. Clear hai? Samjha pakka? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Second aega apna mutually exclusive event. Iska definition le lo. Second, fourth aega apna mutually exclusive event. So mutually exclusive event kya hota hai? दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लेते हैं हम लोग जब दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होता है. जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? नल सेट. ध्यान देना अच्छे से. एग्जांपल में ये भी काम में आ जाएगा. तो अगला टॉपिक है मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. नेक्स्ट टॉपिक है मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. डेफिनेशन नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं आएगा. द फोर्थ वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस एस आर सेड टू बी mutually exclusive event, are said to be mutually exclusive if A intersection B is null set. If A intersection B is null set, दोनों कुछ भी common नहीं रहेगा. दो events को हम लोग mutually exclusive तभी बोलते हैं जब दोनों में कुछ भी common नहीं है. ठीक है? तो हम लोग को mutually exclusive event पढ़ना है जब दोनों का events क्या रहेगा? null set. जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा? नल सेट. ठीक है?
two events A and B in the sample space S are said to be mutually exclusive if A intersection B is null set. आप देख सकते हो इसी example में क्या होता है कि A intersection B में कुछ नहीं है तो A intersection B में कुछ common ही नहीं है तो the answer is null set. तो वही same example आपका mutually exclusive भी था और mutually exhaustive भी था. तो आप clearly यहाँ पे लिख सकते हो कि A and B are mutually exclusive event. A and B are mutually exclusive event. A and B are mutually exclusive events. So union और intersection से ये दो topic बनता है आपका mutually exclusive event and mutually exhaustive events. आपको exercise में question क्या दिया रहेगा? Identify करो कि जो set A और B है और C है, इनमें से कौन-कौन सा mutually exclusive है और कौन-कौन सा mutually exhaustive है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर ढूंढना रहता है हम लोगों को. अगर A union B पूरा का पूरा sample space देता है, अगर दो सेट का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस देता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. और अगर दो सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन जीरो है और नल सेट है, हम लोग जीरो नहीं बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं. अगर दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो शॉर्टकट में याद रखना की ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अगर A union B is equal to sample space हुआ तो mutually exhaustive events. अगर A union B is equal to sample space हुआ तो mutually exhaustive events. और अगर A intersection B null set हुआ तो mutually exclusive event. अगर A intersection B null set हुआ तो mutually exclusive events. तो आई होप कि यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या होता है exhaustive, क्या होता है. ठीक है, हटा दो इसको, समझ में आ गया पक्का? है क्लियर है? Yes. Now, इसके आगे ही आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो कॉम्प्लीमेंट्री तो सबने कितनी बार पढ़ा है, सेट्स में भी पढ़ा रहेगा और जगह भी पढ़ा है. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है, जो एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर तो है बट सेट ए के अंदर नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है. बट अगर और इजी से करना है इसको, तो इसको लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है तो वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. तो हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका अगर हम लोग दो डेफिनेशन मिलेगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द एलिमेंट्स विच आर इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो सेट के अंदर नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट the elements which are in sample space कुछ एलिमेंट जो सैंपल स्पेस के अंदर तो है बट नॉट इन इवेंट ए. द एलिमेंट्स विच आर इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन इवेंट ए is called complement of event A. is called complement of event A and is denoted by A dash or A raised to C. A complement. ठीक है, A dash और A raised to C. The elements which are in sample space but not in event A is called complement of event A and is denoted by A dash or A raised to C. A dash or A raised to C. ठीक है, इतना समझना है, A dash or A raised to C. Now, example ले लें. एक और definition है, also अगर वो event mutually exclusive के साथ साथ mutually exhaustive भी है तो भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं. ऑल्सो इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. If two events are mutually exclusive and exhaustive, then they are called complementary event.
then they are called complementary event. ठीक है, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. एग्जाम्पल देखो, ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6 और बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और दोनों को मिला के सैंपल स्पेसिस बनता है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया. We can clearly say that A and B are mutually exclusive as well as exhaustive events. So A and B are mutually exclusive as well as exhaustive events. Mutually exclusive as well as mutually exhaustive events. And therefore, we can say that A and B are also complementary events. A and B are also complementary events. ठीक है, A and B are also complementary. So complementary event का definition क्या है? दो definition लिखी थी मैंने. The elements which are in sample space but not in event A is called complement of event A and is denoted by A dash or A raised to C. ये sets के तो form में लिखा है, ये आपको probability के form में लिखा है. If two events are mutually exclusive and exhaustive, then they are also called as complementary event. A के अंदर है 2, 4, 6, B के अंदर है 1, 3, 5. So A is a set of even numbers when a die is thrown. B is a set of odd numbers when a die is thrown. So if you look at A and B, so A and B में कुछ common नहीं है, तो mutually exclusive हो गया और A और B को मिला के पूरा का पूरा sample space बनता है, तो exhaustive भी हो गया. So A and B mutually exclusive भी है और exhaustive भी है. दो सेट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. बोलो समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सबको? हाथ लग, समझ में आया सबको पक्का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सर? यस सर. यस यस. ना आगे बात करेंगे हम लोग, अगले टॉपिक पे आते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, डेफिनेशन हो गया, थोड़ा बहुत टॉपिक्स हो गया. आगे चेक करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे है, क्या होता क्या है, सब चेक करते हैं हम लोग. ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है मेरा इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब हर एक आने का चांस सेम रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम. इक्वली लाइकली आउटकम, हर एक सैंपल पॉइंट अपियर होने का चांसेस सेम रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स. जैसे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, all possible outcomes of a random experiment are said to be equally likely, are said to be equally likely if none of them can be preferred over others. If none of them can be preferred over others, ठीक है? If none of them can be preferred over others, मतलब हर एक का अपीयर होने का चांस सेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स. हर एक आउटकम, हर एक सैंपल पॉइंट सेम वे में अपीयर होगा, ऐसा नहीं कि वन क्वार्टर के मैं टू ले लूंगा, तो हर एक का अपीयर होने का चांसेस सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल डाई को थ्रो कर रहा हूं मैं और डाई के सैंपल स्पेस क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितना चांस वन का आने का है उतना चांस टू का भी है. The probability of getting 1 is 1/6. So the probability of getting 2 is also 1/6. The probability of getting 3 is also 1/6. The probability of getting 4 is also 1/6. 5 is also 1/6. 6 is also 1/6. So the probability of getting each of the sample point is 1/6. Har ek event appear hone ka utna hi chance hai. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6.
Understood? So all possible outcomes of a random experiment are said to be equally likely if none of them can be preferred over others. मतलब हर एक सैंपल पॉइंट का उतना ही महत्व है, उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि बाकी सैंपल पॉइंट्स है. None of the sample points can be rated as bigger or smaller. Each one has the same acceptance. समझ में आया? जितना one काम कर रहा है उतना two, उतना three, उतना four, उतना five, उतना six. क्योंकि हर एक का अपीयर होने का चांसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. सेम अगर हेड और टेल का बात करते हो आप, कॉइन इज टॉस्ड, वी नो दैट टू सैंपल पॉइंट्स आएगा वहां पे हेड और टेल. तो हेड आने का चांसेस भी अगर 1/2 है तो टेल आने का चांसेस भी 1/2 है. सो ईच ऑफ द सैंपल पॉइंट्स हैज द सेम प्रोबेबिलिटी टू अपीयर ऑन द अपर मोस्ट पेज. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. श्योर समझ में आया? ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट हैज द सेम इंपॉर्टेंस. नाउ equally likely outcomes के बाद हम लोग पढ़ेंगे definition of probability of an event. definition of probability of an event. ठीक है, क्या formula होता है probability of an event का? Very simple, probability of event A is actual में number of A upon number of X. So probability of event A is equal to number of A upon number of S. जहाँ पे number of A क्या होता है? Where number of A is actually number of outcomes. Number of A क्या होता है? Number of outcomes favorable to event A. और n of s क्या होता है? number of all possible outcomes. हम सबने पढ़ा है probability का formula, number of all possible outcomes. ठीक है, screenshot ले लो इसका. आज कुछ important formula बताने जा रहा हूँ, इसका screenshot ले लो फटाफट. तो probability of an event is nothing but number of sample, number of A upon number of S. P of A is equal to P of N of A upon N of S. Number of outcomes favorable to event A upon number of all possible outcomes. इतना clear है? कुछ properties देखने वाले हम लोग, कुछ important note. Equally likely outcomes, हर एक sample point आने का chances same होता है. अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, अगला जो है वो अपना है important note. क्या क्या काम का चीज है वो सब पढ़ रहे हैं हम लोग. सबसे पहले नोट अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये सब चीज आप लोग को यूज होने वाला है. नोट में सबसे पहले आएगा ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, एंड इट इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश is actually 1 minus probability of A. सबने पढ़ा ना ये? Probability of A dash is 1 minus probability of A. So A dash is complement of A and it is given as probability of A dash is 1 minus probability of A. So A dash is complement of A and it is given as probability of A dash is 1 minus probability of A. Probability of A dash is 1 minus probability of A. 1 minus probability of A. Second आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा फॉर एनी इवेंट ए इन सैंपल स्पेस एस. फॉर एनी इवेंट ए इन सैंपल स्पेस एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0 and 1. तो फॉर एनी इवेंट ए इन एस probability of A is lying between 0 to 1. For any event A in S, probability of A lie between 0 to 1. For any event A in S, probability of A lie between 0 to 1. Lie between 0 to 1. Okay. Third one. For impossible event. Impossible. हाँ बोलो. कुछ doubt है? For impossible event क्या होगा guys? Impossible event में आपको बताया कि probability of event will be 0. होगा ही ना?
तो प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो. इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? जीरो. फोर्थ आ गया फॉर सर्टेन इवेंट, सर्टेन और श्योर इवेंट है, दो नाम है इसका. फॉर सर्टेन इवेंट मैंने बताया था, सर्टेन इवेंट क्या होता है, पूरा का पूरा रैंड, पूरा का पूरा सैंपल पॉइंट आना चाहिए इसमें. तो फॉर सर्टेन इवेंट पूरा का पूरा सैंपल पॉइंट आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा वन. फॉर सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन. इम्पॉसिबल इवेंट में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहे, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जीरो. सर्टेन इवेंट में पूरा का पूरा क्लास आ रहा है, पूरा का पूरा सबसेट आ रहा है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, तो सबका सब आ रहा है, सब जितने वाला 100%. 100% मतलब वन होता है प्रोबेबिलिटी में. फॉर सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन. फॉर सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन. ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिफ्थ वन, एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स. एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. The probability of A union B is actually equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, अब इसमें केस आ गया. If A and B are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive events, तो गाइस अगर mutually exclusive event हो तो क्या होगा? Probability of A intersection B zero हो जाएगा ना, पढ़ा था ना हमने. Yes. दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन एक भी नहीं होगा. तो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? जीरो. तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, ये पहला केस हो गया. इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो अगर ए और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा. और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये तो जीरो हो गया. अब इसी में सेकंड केस आता है. सेकंड केस क्या रहता है इसका? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली exhaustive events, तो अगर exhaustive events है, अच्छा mutually exhaustive and mutually exclusive दोनों लिखते हैं. A and B are mutually exhaustive and mutually exclusive events. तो अगर दोनों का दोनों है, if A and B are mutually exclusive and mutually exhaustive events, हम लोग बोल सकते हैं कि probability of, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि probability of A intersection B कितना होगा? Probability of A union B तो one हो जाएगा क्योंकि mutually exhaustive है. ठीक है, और जो probability of A intersection B ये कितना हो जाएगा? null हो जाएगा. Probability of A intersection B कितना हो जाएगा? null मतलब zero. ठीक है, तो अगर A और B mutually exclusive के साथ साथ mutually exhaustive भी है, तो mutually exclusive है तो intersection zero और mutually exhaustive है तो probability one. So if A and B are mutually exhaustive events, so probability of A union B is equal to 1. And exclusive events, so probability of A intersection B is equal to 0. So what probability of A union B? Probability of A plus probability of B is equal to 1. ये पढ़ेगा फॉर्मूला अपना. तो ये दो पॉइंट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे. अगर आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दिस इज द फॉर्मूला. और अगर आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, this is the formula. देख लो अच्छे से. वन कैसे नहीं समझ वाला? Probability of A union B. समझना पड़ेगा वन के लिए. कहाँ गया? ये समझना पड़ेगा. क्या होता है? वन कैसे आया? सोचो. पूरा का पूरा sample space है ना यार. Yes. A union B is a sample space.
समझा सर, समझा समझा यस यस समझा सर। दोनों मिलके पूरा सैंपल स्पेस बनते तभी तो हम लोग उसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर एग्जॉस्टिव है तो ए यूनियन बी एक्चुअली में सैंपल स्पेस हो गया ना, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, वन होता है ना पूरा का पूरा। यस सर यस। रिमेंबर द डेफिनेशन, डेफिनेशन आज समझ में आया तो अच्छे से आएगा। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। व्हाट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए यूनियन बी सैंपल स्पेस। तो नल सेट मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी जीरो, और एग्जॉस्टिव मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा यूनियन सैंपल स्पेस बन गया, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 100%, दैट इज वन। अंडरस्टूड, ये समझ में आया तो भी समझ में आएगा। तो ये सब आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हां, ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स निकालने के लिए वाला फार्मूला यूज करते हैं। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग बोथ। इंपॉसिबल इवेंट में एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 0। सर्टेन इवेंट मतलब सबके सब सैंपल पॉइंट सॉल्यूशन है, इसको श्योर इवेंट भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स, हां हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड थ्रू आउट बाय एन ऑफ एस। तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स से हम इसको बोलूंगा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलूंगा इसको मैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो इंटरसेक्शन जीरो और यूनियन वन। आंसर क्या बनेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू वन। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको यहाँ तक समझ में आया है एवरीवन? यस। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टार्टिंग विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद किया हम लोग ने।